नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेली स्टडी में। देखिए आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्लीट रेलवे का मॉडल सेट पार्ट वन, जो कि ग्रुप डी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा वहाँ आप क्लिक कीजिए और बगल में तुरंत बनेगा एक बेल आइकन, उसे भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया है? तो वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जी हाँ, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द समूह को लाया गया है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 30। जी हाँ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 और अन्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य है? तो वह है 7। वह 7 राज्य कौन कौन है? तो यह है बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, यूरोप का गर्म कंबल उपनाम किस जलधारा को दिया गया है? तो यह इसका उत्तर होगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। जी हाँ, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल का उपनाम दिया गया है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन कहाँ होता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन जो होता है नीलगिरी पहाड़ियों पर। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है वह है तंजानिया, किनिया और युगांडा के मध्य। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया है, इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन रहता है? तो इसका उत्तर होगा वित्त मंत्री। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया है और इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री रहता है। नेक्स्ट है, हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो इसका उत्तर होगा प्रोफेसर राजकृष्णा ने। जी हाँ, हिंदू विकास दर की अवधारणा जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्णा ने दी थी। नेक्स्ट है, विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियाँ किस संध्यावस्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा से। जी हाँ, कालीबंगा से विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियाँ सैंधव, ये जो है कालीबंगा सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।